छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। अपने इस खास पेशकश में आज हम बताएंगे झोला छाप डॉक्टरों की। जी हां, इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों का व्यवसाय जमकर फल फूल रहा है। यानी कि ये डॉक्टर जो बिना किसी डॉक्टर की डिग्री के, बिना किसी मान्य सर्टिफिकेट के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को झोला छाप डॉक्टर्स की श्रेणी में रखा जाता है। ये झोला छाप डॉक्टर्स कई बार जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई दिनों से झोला छाप डॉक्टर्स सक्रिय हैं। ये डॉक्टर्स बेखौफ आए दिन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि बिना कोई डॉक्टरी की पढ़ाई की, बिना किसी सामान्य दस्तावेजों के ये डॉक्टर कैसे किसी का इलाज कर सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे और लेकिन उससे पहले आज हमारी ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट देखिए। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार बढ़ती जा रही है और ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ करते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बजाय अपने एसी रूम में बैठकर मस्त हो नजर आ रहे हैं। हम इस समय रायसेन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद है और ये वो जिम्मेदार अधिकारी पद है जिससे पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली हमेशा से विवादों में रही है। ये आलम ये है कि डॉक्टर अब्दुल हक जो है वो लोगों की जान कई बार ले भी चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उन पर उस पर कार्रवाई करने से ना जाने क्यों डरते हैं। या तो मिलीभगत है या इन झोला छाप डॉक्टरों से इनका डॉक्टर दिनेश खत्री की सांठगांठ साफ नज़र आती है। स्वास्थ्य क्लिनिक नर्सिंग होम एक्ट से अपना ये है, मैं ओनर हूँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन है, देख रेख करने का ये है जो मतलब डॉक्टर लोग ये करके देते हैं, उसका देख रेख करने का है भाई। जो डॉक्टर लोग देख देंगे तो उसको तो केयर करना पड़ेगा ना। अच्छा। जैसे मान लीजिए अंदर जो है एक आपका स्पर्श क्लिनिक से आया है बच्चा, उसको दवाई लिख के दिए हैं तो उसको तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा वही दिए हैं तो लगा रहे हैं उसको, वो डायरिया हो रहा है उनको है। मैं यहाँ पर बहुत दिन से हूँ रहने के लिए, लाइसेंस तो है लेकिन उसको रिन्यूअल करवाना। यहाँ पर अपने बच्चे का इलाज करवाने आए हैं। कितना महीना का बच्चा है? 8वां मंथ। बुखार हो गया था और उल्टी हो रहा था। नहीं तो ये प्राइवेट क्लिनिक है ना। अच्छा। तो कई बार भी हम लोग इलाज करवाते हैं तो यहाँ बच्चे ठीक हो जाते हैं, इसलिए कुछ भी होता है तो यहीं ले आते हैं। उसमें समस्त कर्म चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की सूची बनाकर तत्काल पुलिस में और प्रशासन को, समान प्रशासन विभाग को दिया जाए और उन्हें नोटिस जारी किया जाए कि वो तत्काल अपना बंद कर, इस तरीके से अगर कोई कार्यवाही कर। सर मैं अभी कर्म चिकित्सा अधिकारी को उसके बारे में पत्र लिखता हूँ, अगर वो अवैध है तो तत्काल बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे और अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे वो तो उसकी सूचना समान प्रशासन विभाग को दी जाएगी। मेरा इस समय एक आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जेनरिक दवाई ही लिखा जाएगा, उसी तरीके से लोगों में ये चेतना जाननी चाहिए कि वो जब अस्पताल में चिकित्सक व्यवस्था मौजूद है निःशुल्क, ऐसी स्थिति में किसी भी झोला छाप चिकित्सक के पास में ना जाएं और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी लिखित सूचना। तो झोला छाप डॉक्टर किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमीन फिरदौसी, शहरी कार्यक्रम अधिकारी हैं ये, और राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र के गुप्ता जो कि समाज सेवी हैं। सबसे पहले अमीन फिरदौसी जी आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि देखिए आप एक डॉक्टर हैं और किस तरह से लगातार जो है झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं?
देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। अभी जैसे गर्मी के मौसम बढ़ती है, गर्मी हमारी बहुत ज़्यादा उस दिन में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में तापमान अचानक से 30 डिग्री की तरफ गिर जाता है, तो ये जो मौसम में परिवर्तन होता है इसमें जाइमोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिससे उल्टी और दस्त का प्रकोप अचानक से बढ़ जाता है। बच्चे भी और बूढ़े भी सभी इसके बीमारियों की चपेट में आते हैं। सर्दी खांसी बुखार है ना, ऐसा इस तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं और लोग कहीं ना कहीं पे अपने चिकित्सा व्यवस्था कराने के लिए नज़दीक में कोई भी जो उपलब्ध होता है उसके पास चले जाते हैं। कहीं ना कहीं पे ये जागरूकता की कमी है और कहीं ना कहीं पे हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो जानकार हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो सही आपको चिकित्सा सलाह दे सकते हैं केवल उन्हीं के पास जाएं, नहीं तो अन्यथा आपके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाँव से हैं, जो पिछड़े इलाकों से हैं, उनको ये जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसे में जो झोला छाप डॉक्टर जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं इस तरह के झोला छाप डॉक्टर, उनको नहीं समझना चाहिए कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे में उन पर धब्बा लगाते हैं ये झोला छाप डॉक्टर। बिल्कुल, ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए होते हैं, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं, जैसे उनको थोड़ी सी भी मालूम रहती है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सा स्टेरॉइड लगा देने से मरीज को आराम मिल जाएगा, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और ना ही अपना कोई बोर्ड लगाते हैं, ना ही कोई अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, वो घर घर जाकर अपनी सुविधाएं देना चालू कर देते हैं। अमूमनता ऐसे लोग किसी अस्पताल में या किसी दवाई दुकान में काम किए हुए रहते हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन आपको हमेशा मैं बताऊं कि अल्प जानकारी बेहद खतरनाक हो सकती है चिकित्सा संसाधन में। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के लोग अगर कहीं भी हैं तो कृपया उनकी जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, लगातार उनको एक्सपोज करें, उनके नाम दें ताकि वहां के संबंधित अधिकारी उन पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। और मैं लोगों से पुनः अपील करूंगा कि नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे जाएं, वहां पे सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी और वो सुविधाएं आप लोग जो डेजिग्नेटेड स्वास्थ्य केंद्र है वहीं से लें, ना कि किसी झोला छाप डॉक्टर से, ताकि आपकी जान को कोई खतरा ना हो। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए जब मौसम में परिवर्तन होता है तो जाहिर तौर पर कई तरह की दिक्कतें लोग फेस करते हैं और सीजनल बुखार, इसके साथ ही अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया है जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, तो ऐसे में ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं ये लगातार हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो से अभी इससे पहले हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, कहाँ तक सही है ये? उठाया सबसे पहले तो उसके लिए आपको साधुवाद। आप ये देखिए, इसमें ये समझना होगा कि झोला छाप मतलब क्या, इन जनरल क्या होता है, जब भी शासन कोई घटना कहीं होती है, जैसे सपोज इंदौर भोपाल या कहीं भी घटना होती है और प्रशासन और चिकित्सा विभाग का जो सीएमएचओ कार्यालय है वहाँ के अधिकारी की टीम इन पर कार्रवाई करने निकल पड़ती है। दूसरा पक्ष ये भी देखिए आप कि पूरे कोरोना काल में शासन जो पूरा दोषारोपण झोला छाप जिनको बोला जाता है उन पे मर दिया जाता है, पर आप ये देखिए कोरोना काल में जिनके पास बीएचएमएस आरएमपी या और भी कोई जैसा पैरा मेडिकल की डिग्री है उनको विभाग ने और सरकार ने ड्यूटी पे लगाया था। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो विभाग की ये होती है, स्वास्थ्य विभाग की, कि जैसे अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो सबसे बड़ी जो दुकान है वो सीएमएचओ कार्यालय होता है। सभी वैसे नहीं होते पर अधिकतर जगह पर यही हो रहा है कि यहाँ पर जिनके खिलाफ अगर इन्होंने कार्रवाई भी की तो न तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है न ठोस कार्रवाई होती है। कुछ समय बाद वही लोग जिनको जिन पे ये कार्रवाई का दावा करते हैं वही लोग वापस से, वो तथाकथित झोला छाप डॉक्टर है, वही लोग वापस से कहीं दूसरी जगह पर जाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब इसमें जनता या गरीब लोग या गांव के लोग जिनकी बात हो रही है वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि ये जो जिनको हम झोला छाप बोलते हैं या विभाग जिनको कभी झोला छाप बोल देता है कभी उनसे ड्यूटी करवा लेता है उनको वो कहीं ऐसी जगह पर काम करते हुए देखते हैं कि इनको विभाग काम करवा रहा है इनसे, तो फिर उन पर लोग गरीब लोग विश्वास कर लेते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मेडिकल एक्ट में और ड्रग एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, पर आप ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कोई जिला ऐसा, इंदौर भोपाल सहित कोई भी जिला ऐसा शायद ही होगा जहां इस तरह के जिनके पास डिग्री नहीं है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो, वो गिनती के 1-2-3 केस आपको देखने को मिलेंगे, पर हवा किस तरह से बनाया जाता है ये सबके सामने है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है और स्थायी रोक कैसे लगे इसकी जरूरत है। राजेंद्र जी, अभी आपने एक जो बात कही है बेहद महत्वपूर्ण कि जो गरीब तबके के लोग हैं और इस तरह के डॉक्टरों का नाम सुनते हैं जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे लोगों का नाम सुनकर जो गरीब लोग होते हैं वो उनकी तरफ जो है पहुंचते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है। लेकिन ऐसे में सोचना ये चाहिए, समाज सेवा ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो भी मरीज आपके पास आ रहा है कम से कम उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उसे पहले से आगाह कर दिया जाना चाहिए या उन्हें ये कह देना चाहिए कि आपकी स्थिति गंभीर है, आप डॉक्टर सही डॉक्टर के पास जाएं। मैं यही बोल रहा हूं कि ये एक्चुअल में क्या है, आपका जो सवाल है उसका उत्तर ये होना या उसकी हल ये होना चाहिए कि जब विभाग कार्रवाई करता है तो विभाग को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि जितने भी क्लिनिक है जो भी डॉक्टर है वो MBBS हो, MD हो या जो भी डिग्री धारक हो, BAMS हो, पैरा मेडिकल वाले हो, BHMS हो, इनको अपनी डिग्री की फोटोकॉपी जैसे एक रजिस्ट्रेशन का लगाना पड़ता है उसी तरह से अपनी डिग्री की फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी वहां पर लगाएं और ये बोर्ड पर लिखें कि ये किस प्रकार के डॉक्टर है, इनके पास कौन सी डिग्री है। बस वहां लिख दिया जाता है कि फलाना डॉक्टर, लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो विभाग, अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैं एक आम आदमी हूँ या गांव से आया आदमी हूँ, मैं जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने आया हूँ उस डॉक्टर से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि डॉक्टर साहब आप अपनी डिग्री बताइए या आपका अनुभव बताइए, मैं अपनी समस्या में अभी तकलीफ में हूँ तो मैं इलाज लेने जाता हूँ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग को या प्रशासन को बिल्कुल जागरूकता और गरीबी ये दोनों ही कमी हो सकती हैं। लेकिन अमीन फिरदौसी जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है प्रदेश में डॉक्टरों की भी कमी है और इसके साथ ही अगर हम सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें, कई डॉक्टर तो लापरवाही करते हैं, समय से पहुंचते नहीं है और जब पहुंचते हैं तो एक लंबी कतार होती है उनके पास, तो मजबूरन लोग जो है वो झोला छाप डॉक्टर का रुख करते हैं, क्या ये भी एक वजह है, मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य को अगर हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो स्वास्थ्य के तीन पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है अफोर्डेबल, आसानी से आप उसका पैसा दे सकें या आपका पैसा ना लगे, ऐसा आप स्वास्थ्य सुविधा चाहते हैं। दूसरा होता है एक्सेसिबल, आप कैसे बहुत आसानी से किसी डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कई बार दवाइयों के लिए, टेस्ट के लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, जिसके वजह से लोग ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहां बहुत आसानी से मिल जाए। कहीं ना कहीं पे मैं जवाब भी देना चाहता हूं कि जैसे कि सर ने कहा कि कैसे डॉक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध CMO ऑफिस या बाकी प्रशासन को नहीं रहती, मैं आपको बताऊं, एक नर्सिंग होम एक्ट होता है, नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कोई भी पेशे का चिकित्सक हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या किसी भी पैथी से करता हो, उसको एक नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है और बिना उस रजिस्ट्रेशन का वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उस रजिस्ट्रेशन में साफ तौर पर अंकित होता है कि किसको किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो हमें ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ से है जो थोड़ा बहुत जानकारी किए होते हैं, जो अस्पतालों में काम किए होते हैं, 10वीं पास 12वीं पास, ऐसे लोग जो लोग जाके गांवों में लोगों को बोतल चढ़ाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और गलत मात्रा में इंजेक्शन लगा देते हैं या चीजें कर देते हैं जो चीज बहुत ही घातक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इन लोगों को पकड़ पाना बेहद कठिन होता है क्योंकि ये हमेशा अपनी जगह को बदलते रहते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ इनका कि इनके ऊपर तत्काल एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए और इनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ताकि ये दूसरी जगह पे अपनी दुकान ना खोल सकें। इनकी पूरी एक जैसे एक हिस्ट्री शीटर की हम बनाते हैं, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो इसकी जानकारी समस्त थानों में होनी चाहिए कि अगर इस शहर में अगर ये कर रहा था और ये पकड़ाया है और इसको ये 2-3 महीने 6 महीने साल भर की सजा हुई है तो ये दूसरे शहर में जाके या दूसरे गाँव में जाके लोगों को फिर से न ठग सके। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए जो भोपाल में एम्स अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, तमाम ऐसे अस्पताल है जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, तो ऐसे में जो मरीज हैं वो आखिर अगर झोला छाप डॉक्टर्स के पास ना जाए तो कहां जाए, उनके सामने भी तो मजबूरियां आ जाती है ना। ये बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखिए कि विभाग सब जानते हैं, सब सबको पता होता है, जैसे नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन की बात की गई, इंदौर में चर्चित बड़ा अस्पताल है जो लंबे समय तक बिना पंजीयन के चलता रहा,
तो पंजीयन मात्र से ये भी हो जाता है कि वो ऑथराइज या वो सही है। वहां पर जो काम करने वाला स्टाफ है, मेरा सवाल ये था कि स्टाफ अगर आप ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो जिनको कम तनख्वाह देना पड़े और उनको अगर गरीब मरीज वहां देखता है तो फिर वहां इलाज कराने पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि शासन में कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी वो प्रशासनिक काम में लगा रखा है, मतलब जो डॉक्टर है उनकी ड्यूटी विभागों में लगा रखी, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से राजनीतिक मतलब इच्छा शक्ति की कमी भी है या संपर्क बोले, जैसे सपोज आज मैं अगर आपका डॉक्टर हूँ या गायनोकोलॉजिस्ट का डॉक्टर हूँ तो मेरा अगर कॉन्टेक्ट है तो मैं कहीं ना कहीं CMHO कार्यालय, JD कार्यालय, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी कि जाओ डॉक्टर जिनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिनको सरकारी अस्पताल में इलाज करना चाहिए, वो प्रशासनिक काम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये डॉक्टरों की कमी बड़ी एक समस्या है, वो बड़ी एक ये कारण है कि गरीब लोग सुविधा देखते हैं और ये झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज करने पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ले देके बात वही आती है कि जब महकमा जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग या जो व्यवस्था है, मतलब बड़े विभाग है या सरकार है, वो जब तक डॉक्टरों को, अब आप ये देखिए कि डॉक्टरों की ड्यूटी कंडीशन है डिग्री लेने में कि गांव में जाना है। मध्य प्रदेश में सैकड़ों ऐसे डॉक्टर हैं जिनको नोटिस दिए गए, वो गांव में गए नहीं, अब उनके प्रैक्टिस पे रोक लगा देंगे। तो अब ये बता दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मेरी प्रैक्टिस पे रोक है और मैं किसी गांव में या कहीं जाकर अपना क्लिनिक या शहर में क्लिनिक खोल के बैठा हूँ, तो ये उस गरीब मरीज को या एक आम मरीज को भी या पढ़े लिखे मरीज को भी ये कैसे पता होगा कि मेरी प्रैक्टिस पे विभाग ने या MTI ने या इन्होंने रोक लगा रखी है प्रैक्टिस पे। तो समस्याएं जो है उनका हल विभाग के पास है, निश्चित रूप से ईमानदारी और इच्छा शक्ति बताना होगी और इस पर रोक लग सकती है। और मैं तो फिर से एक बार आपको बिल्कुल, और इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। अमीन फिरदौसी जी, देखिए एक कंफ्यूजन ये भी लोगों के बीच में है, कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन झोला छाप डॉक्टरों को ये कहा गया था, ये आदेश दिया गया था कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं या जिनको हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं वो लोग ऐसे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर इन दिनों की अगर हम बात करें तो इन दिनों में भी लगातार झोला छाप डॉक्टर हर एक मरीज के लिए वो तैनात नजर आ रहे हैं, दवा दे रहे हैं, कुछ भी दवा दे रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या उनको ये सह मिल गया है इस आदेश के बाद से? देखिए, ये इस तरह के आदेश मेरी जानकारी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का आदेश हुआ है तो निश्चित नहीं, कोरोना काल के दौरान ये इस तरह के आदेश दिए गए थे। अगर आप बीते दिनों को गौर करिए और याद करिए जब राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया था, इस पे पुनर्विचार बिल्कुल होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आपने जो बात उठाया है कि इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों को जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, परंतु हम इस बात से, इस तथ्य से भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते कि 10,000 लोगों के बीच में सिर्फ एक ही डॉक्टर हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर उपलब्ध है। और आप किसी भी अस्पताल या किसी भी जगह पे जब आप कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपके पास बहुत पुख्ता प्रमाण या पुख्ता आपके पास कंप्लेन होने की आवश्यकता होती है। और कई बार मानवीय आधारों पे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि कहीं भी किसी भी अस्पताल के ऊपर जब आप कार्रवाई करने के लिए जाएं, किसी को बंद करें, तो कई बार वहां के लोगों का हमें विरोध का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोगों के विरोध की वजह से हमें अस्पतालों का पुनर्विचार करके उनकी कार्रवाई को कम करनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस बात को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम अपने तंत्र को कैसे मजबूत कर सकें। हम दूसरों की बात नहीं करते, हम सरकारी महकमे की बात कर रहे हैं कि सरकारी महकमे के कैसे हम PHC और हम ग्रामीण स्तर तक हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें। ये सरकारी महकमे के लिए आप क्या कहेंगे, जो डॉक्टर नहीं आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो अस्पताल नहीं पहुंचते हैं समय से, नदारद रहते हैं, तो ऐसे में मरीज कहां जाए फिर? यही बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर पूरे साल में 500 MBBS डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि साल के अंत तक सिर्फ 200 या 150 डॉक्टर ही बचते हैं। उनमें से भी 90% जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सिफारिश करा के शहरों की या शहरों के नजदीक अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। गांव पे जाने पे कहीं ना कहीं पे उन लोगों की इच्छा नहीं होती, और शहरों में बड़े अस्पतालों में उनको बहुत आसानी से सैलरीज या बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिल जाती हैं जिनके वजह से वो सरकारी महकमे में काम करने की इच्छुक नहीं रहते। लेकिन फिर भी सरकार की लगातार प्रयास हो रही है कि हम MBBS को ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे
जो भी सुविधाएं हैं वो दे सकें ताकि लोगों की ये जो परेशानी है वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके। राजेंद्र जी, देखिए जब भी मौसम परिवर्तन होता है और अक्सर देखा जाता है जब गर्मी का सीजन शुरू होना होता है उससे पहले लोग लू की चपेट में आते हैं और सीजनल फीवर शुरू हो जाता है, लोग काफी ज्यादा बीमार होते हैं और वो डॉक्टर्स का रुख करते हैं, और ऐसे में झोला छाप डॉक्टर्स का खासकर, तो ये मुद्दा उन दिनों में काफी ज्यादा, अभी जैसे इन दिनों में काफी ज्यादा झोला छाप डॉक्टर्स का मुद्दा देखा जा रहा है, तो ऐसे में इन डॉक्टरों पर किस तरह से लगाम कसी जाएगी आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा ये मुद्दा उठता है उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए, निश्चित रूप से आज मुझे और आपको कार्रवाई का अधिकार नहीं है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है और इनको सब पता होता है कि कौन डॉक्टर सही है और कौन गलत है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग DMHO कार्यालय को JD कार्यालय को संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इनको चिन्हित करना चाहिए और स्थायी रूप से इन पर रोक लग सके, इस पे इनका कोई गाइडलाइन इनको जारी करना चाहिए या सख्त सरकार को निर्णय लेकर आदेश कोई जारी करना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस हम वाहन चालक ये यातायात नियम का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर कोई झोला छाप डॉक्टर, तथाकथित झोला छाप डॉक्टर दोबारा उस तरह से प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए और मतलब जमानत उसकी नहीं होना चाहिए, तभी ये रुकेगा। दूसरा एक मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आयोग का एक आदेश है कि RMP और पैरामेडिकल कोर्स करे हुए जितने भी इस तरह के डॉक्टर हैं जिनको हम झोला छाप बोलते हैं, बिना डिग्री वाले तो टोटली फ्रॉड है, उन पर तो सख्त कार्रवाई पहली बार में ही होना चाहिए, पर इनकी ट्रेनिंग TMHO कार्यालय के माध्यम से इनको ट्रेन करने का आदेश स्वास्थ्य आयोग ने जारी किया था और वो फिलहाल भी प्रक्रिया में है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए जो सख्त कदम है वो स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को उठाना पड़ेगा, तभी ये रुक पाएगा और निश्चित तौर पर, और ये बेहद जरूरी है, तभी लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमीन फिरदौसी जी और राजेंद्र के गुप्ता जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स लगातार लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर प्रशासन को सख्ती दिखाना होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे उठते हैं और उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और लोगों की जिंदगियां इसी तरह से तबाह होती हुई नजर आ रही हैं। तो तमाम इस तरह के मंजर सामने आए, हमने आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसके साथ ही आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश की, इसलिए ये चर्चा की गई ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि लगातार इन दिनों मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो वहां पर झोला छाप डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।